दोस्तों, आप सबको एक टेंशन तो रहती होगी, अगर आप महंगे फ़ोन रखे ही रहते हैं या आप सस्ते फ़ोन भी रखे रहते हैं, टेंशन तो होती होगी कि अगर आपका फ़ोन चोरी हो गया तो आप क्या करेंगे, कैसे उसे पकड़ेंगे, किसने चुराया है उसे कैसे पकड़ेंगे और अपने फ़ोन को कैसे वापस ले आएंगे। दोस्तों, इस वीडियो में मैं बताऊँगा आपको फ़ोन के आप कुछ तरीके आप इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले से सावधानी बरत सकते हैं सब तकनीक यूज़ करके, उससे आपका फ़ोन आपको अगर चोरी हो जाता है या कहीं घूम जाता है या कहीं आप गिरा के आ जाते हैं तो आप इसे अच्छी तरह आसानी से सब खोज सकते हैं और आपको फोन आपको मिल जाएगा। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अजय श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं टेक्नोवेक्चे की। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, वो छोटा वाला जो कीपैड वाला फ़ोन आता है उसको ढूंढना तो बड़ा मुश्किल है। मैं बताऊंगा एंड्रॉयड और आपके एप्पल के फ़ोन आप कैसे ढूंढ सकते हैं और बाकी सब भी बताऊंगा कि आप कैसे क्या कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहला और बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप है, वो है आपको आप एंड्रॉयड स्मार्टफोन या iOS स्मार्टफोन रखे तो रहते ही हैं और जियो के पैक्स आजकल सब पैक इतने सस्ते हो गए हैं, आपको कितने सस्ते पैक मिल रहे हैं। तो अब अगर आप बाहर जाते हैं तो अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो अपना इंटरनेट हर समय ऑन रखिएगा, उससे क्या अगर आपको कोई प्रॉब्लम भी होगी तो इंटरनेट से आप उसको कोई भी ढूंढ सकता है आसानी से, आपके घर वाले कैसे भी करें ढूंढ सकते हैं आपको। दूसरी बात दोस्तों, गूगल मैप आपके फ़ोन में होगा, सबके फ़ोन में रहता है, सबको काम भी आता है गूगल मैप, जो आप सिटी में अगर कहीं जाते हैं तो बहुत ही काम आता है। वहाँ से आप अपने फैमिली या फ्रेंड्स के साथ अपना किसी एक भी लगभग एक या दो फ्रेंड्स के साथ लोकेशन ज़रूर शेयर करके रखें, क्योंकि अगर आपका फ़ोन कहीं गिर जाता है तो आप तो उसे खुद ढूंढ नहीं सकते, आप कॉल करेंगे अपने फ्रेंड्स को, फ्रेंड्स आपके देखेंगे लोकेशन कि आपका फ़ोन कहाँ रखा है और आपका फ़ोन इससे मिल भी सकता है। दूसरी बात दोस्तों, आप एक बार आप दो जगह अपनी आईडी लॉगिन रखें। हाँ, ये मानता हूँ कि सेफ नहीं है, लेकिन अपने डेस्कटॉप या पीसी में कहीं भी आप जो पर्सनल यूज़ करते हैं वहाँ पे अपनी जीमेल आईडी या एप्पल आईडी कहीं पे भी लॉगिन रखें, आपके फ़ोन में इंटरनेट कनेक्शन होगा तो आप अगर आपका फ़ोन घूम भी जाता है तो वहाँ से अगर आप आईडी खोलते हैं अपना तो वहाँ से आप बिल्कुल ऐड कर सकते हैं। अगर आप दूसरे कंप्यूटर में खोलते भी हैं, मैं इसलिए बोला आप खोल के रखें क्योंकि अगर दूसरे कंप्यूटर में खोले हैं और टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन आप तो ज़रूर ऑन करके रखे होंगे अपने फ़ोन पे, तो अगर आप ऑन करेंगे भी आप आईडी तो खोल पाएंगे नहीं, क्योंकि टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन का जो कोड रहेगा वो आपके जाएगा इस फ़ोन में जो कि गिर चुका है या घूम चुका है। तो इसलिए दोस्तों, तीसरा टिप है एक दोस्तों, वो है आपके आईक्लाउड से भी आप सेम चीज़ कर सकते हैं। अगर आप iOS डिवाइस कर रहे हैं और गूगल मैप्स नहीं है तो दूसरे किसी के पास भी आईफोन होगा, अगर किसी ना किसी के पास तो होगा फैमिली मेम्बर या फ्रेंड के साथ, उसके साथ भी आप शेयर करके बिल्कुल रखें और अपने जो गूगल मैप से गूगल अकाउंट में बैटरी परसेंटेज और बाकी वगैरह लास्ट लोकेशन सब चीज़ आप ऑन करके रखिए ताकि आपको सब देख सके कितनी बैटरी आपके फ़ोन में बची है, और फ़ोन ऑन रखें, चार्ज रखें जहाँ तक हो सके उतना फ़ोन चार्ज रखें, क्योंकि अगर आप गूगल मैप से अकाउंट खोलते हैं तो आप रिंग दबाएंगे तभी आप अगर फ़ोन चालू रहेगा तभी आपका वहाँ बजने लगेगा, सायरन बजने लगेगा, नहीं तो आपको कोई काम का नहीं आएगा वो सब चीज़। फिर अगर आपका और आखिरी टिप है ये दोस्तों, अगर आपका फ़ोन घूम ही जाता है बंद हो जाता है तब तुरंत अपना ऑपरेटर के पास जाए, सिम ऑपरेटर के पास, पुलिस के पास जाएंगे थोड़ा टाइम लग सकता है, अगर आप सिम ऑपरेटर के पास जाएंगे वो तुरंत वो आपको ट्रैक करके बता सकते हैं आपका नंबर कहाँ रखा हुआ है और आपको तुरंत जानकारी दे सकते हैं, भले एक दिन ले लेंगे, नहीं बहुत जगह आजकल होता है कि एक ही दिन में आपको जानकारी दे देंगे कि आपका फ़ोन तो यहीं इस लोकेशन पे, और आपको खोज के दे देंगे पुलिस को इन्फॉर्म करके, पुलिस को इन्फॉर्म कर सकते हैं, पर उसका उसका समय 2 से 3 दिन आपको लग सकता है और फ़ोन किस हालत में मिलेगा आपको कोई भरोसा नहीं है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप इससे इस सारे टिप्स से अपना फ़ोन सिक्योर रखने की कोशिश ज़रूर करेंगे और देखेंगे ज़रूर इस वीडियो को। दोस्तों, बस आज के लिए इतना ही, अगर आपको सवाल हो सुझाव तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा, और अगर आपने मेरे वीडियो को लाइक और शेयर नहीं तो प्लीज़ लाइक और शेयर भी कर दीजिए और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं रोजाना आपके लिए ऐसी मज़ेदार वीडियो लेके आता रहता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।